Good morning, students. Today we are going to continue with chapter 6, uses of decimal numbers in daily life. How we are using these decimal numbers in our life. Now we know 1 rupee is equals to 100 paise. So 1 paise is equals to 1 upon 100. Ye 100 jo hai, yahan pe paise ke saath hai, to is taraf jayega, to division mein chala jayega 1 by 100 rupee. Same way, 2 paise is equals to 2 by 100 rupee. 3 paise is equals to 3 by 100 rupees. Now we know, niche kitne zeros hai? 2 zeros. So 0.01. Aage hume decimal ke piche do digits chahiye. 1 and 2. 2 zero hai, isiliye 2 digits chahiye. To hum logo ne left hand side pe 0 add kar diye. Okay. Now we know, length or distance kis mein napa jata hai? 100 centimeter is equals to 1 meter. Meter, kilometers, usi mein napa jata hai, right? So 100 centimeter is equals to 1 meter and 1 centimeter kitna hoga 1 by 100 meters. So 2 centimeter is equals to 2 by 100 meters. 13 centimeter is equals to 13 by 100. Jo bhi centimeter mein agar hume meter mein chahiye to hum divide by 100 karenge. 10 millimeter is equals to 1 centimeter. So 1 millimeter कितना होगा 1 by 10. अगर millimeter में चाहिए तो हम centimeter में दिया millimeter में दिया होता है और अगर centimeter में चाहिए तो हम 1 by 10 कर देंगे multiply divide by 10. Okay, keep this in mind. So अगर kilometer में चाहिए तो हम divide by 1000 करेंगे. Same way अगर liter में दिया है और किलो लीटर में चाहिए तो हम डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. वेट में ग्राम है सो अगर ग्राम में दिया है और अगर हम केजी में चाहिए तो हम अगेन डिवाइड बाय 1000 कर देंगे बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी. तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 बाय 1000 केजी. नाउ कैपेसिटी कितनी है 1000 एमएल इज इक्वल्स टू 1 लीटर. सो 1 एमएल कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1000 लीटर. Now exercise 6.4 question number 1 express as rupees using decimals. ये सब हमें पैसे में दिया है. Now we know 1 rupee is equals to how many पैसे 100 पैसे. तो अगर रुपी में चाहिए तो हम divide by 100 कर देंगे. Okay, अगर हमें रुपी में चाहिए तो हम क्या करेंगे 12 पैसे को divide by 100 कर देंगे. 12 by 100 is equals to 0.12 rupee. Look at this. 12 paise is equals to 12 by 100 is equals to 0.12. सबको हम 100 से ही डिवाइड करेंगे रुपी में कन्वर्ट करने के लिए. नाउ यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो सिर्फ पैसे में दिया है और दूसरा रुपी एंड पैसा दोनों दिया है. देन व्हाट वी आर सपोज टू डू. रुपी में जो दिया है वो हम ऐसे लिखेंगे रुपीज़ 35 प्लस पैसे में जो दिया है वो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना 60 by 100 प्लस 60 by 100 दैट इज़ जीरो रुपीज़ 35.60. वी नो 60 by 100 इज इक्वल्स टू 0.6. सो रुपीज़ 35.60. नाउ 50 रुपीज़ एंड 90 पैसे 90 by 100 रुपीज़ हो जाएगा. So rupees 50 plus 90 by 100 that is rupees 50.90. Now meters में दिया meters में convert करना है centimeter को. तो we know 1 meter is equals to 100 centimeter. तो हम सबको 100 से ही divide करेंगे जैसे rupees में किया था 30 centimeter divide by 100 that is 0.3 meters. 150 centimeter divide by 100 that is 1.5 meters. 175 divide by 100 again नीचे 2 digits है 2 zero हो गए तो यहाँ से 2 digits count करके हम point लगा देंगे 1 2 put a point 1.75 meters. 760 divide by 100 again 2 zeros so 1 2 put a point 7.6. 2 डिजिट्स पीछे से राइट हैंड साइड से काउंट करने हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे 16 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है तो 16 मीटर प्लस 15 बाय 100 सेंटीमीटर मीटर्स 15 बाय 100 तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज़
15 by 100, that is 16.15 meter. ये तो 16 as it is, अब जो आ रहा है वो पॉइंट में आ रहा है 1.15, सो 16.15 meters. एक्सप्रेस एस सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स. सेंटीमीटर्स में हमें कन्वर्ट करना है, किसमें दिया है mm मतलब मिलीमीटर्स. सो वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो 1 मिलीमीटर कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट. तो सबको 10 से डिवाइड करना है. 9 मिलीमीटर मतलब 9/10, दैट इज 0.9, वन डिजिट के बाद पॉइंट. सो फ्रॉम राइट हैंड साइड वन डिजिट, तो आगे कुछ भी नहीं है, तो आगे हमें ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा, 0.9 सेंटीमीटर. 12 mm मतलब 12/10. तो यहाँ पे हमें कितने डिजिट्स काउंट करने हैं, ओनली वन. सो वन फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 1.2 सेंटीमीटर. फ्रॉम राइट हैंड साइड वन, तो 17.6 सेंटीमीटर. फ्रॉम राइट हैंड साइड वन, तो 3.5 सेंटीमीटर. अगर मिलीमीटर में दिया है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो हम डिवाइड बाई 10 कर लेंगे सबको. ओके, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में दिया है और मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड बाई 100 करेंगे. सेम वे यहाँ पे किलोमीटर्स में दिया कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड बाई 1000 करेंगे सबको. ठीक है, 19/1000. यहाँ पे तो सिर्फ दो ही डिजिट्स है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर पुटिंग एन एक्स्ट्रा जीरो ऑन राइट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, 1, 2, एंड पुट अ जीरो एंड देन पुट अ पॉइंट एंड देन 0.019 किलोमीटर. 28/1000, सो यहाँ पे भी दो डिजिट्स है, तो वी आर पुटिंग एन एक्स्ट्रा जीरो ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड देन पुट अ पॉइंट एंड देन जीरो. सो इफ 90 किलोमीटर प्लस 5/1000 किलोमीटर में आ गया पूरा. ठीक है, नाउ 5 इज़ ओनली वन डिजिट नंबर, तो हमें कितने जीरो एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें 3 डिजिट्स चाहिए, तो हम 2 एक्स्ट्रा जीरो रखेंगे. 5 0 0.0, दैट इज़ 0.05 किलोमीटर्स.